हाय गाइस, दिस इज़ अभिषेक, मैं आपका होस्ट। स्वागत है मेरे चैनल गाड़ी गुरु में। मैं रहता हूँ यहाँ पे कनाडा वैंकूवर शहर में। द रीज़न आई मेड दिस चैनल, मेरा मकसद का था कि इंडियन ऑडियंस और जो हमारे कार एंथुजियास्ट हैं इंडिया में बैठे हुए, उनको मैं थोड़ा सा अमेरिकन कारों से फेमिलियर करवाऊँ। यहाँ पे बहुत चैनल हैं, काफ़ी इंग्लिश वाले हैं, सो बट आई बिलीव मेरी ये इनपुट आपको हेल्प करेगी और आपको इस चैनल पर मज़ा आएगा। And let's see how it goes. Starting today, मैं आज आपको अपनी गाड़ी दिखाऊंगा, जो मेरी पर्सनल गाड़ी। ये गाड़ी है निसान अल्टिमा 2010 मॉडल है। This is fully loaded. I bought it used for around, I think, $6,000, जो करीब करीब 3 से 4 लाख बन जाता है, depending on क्या price चल रहा है। It's the back side. So ये निसान अल्टिमा का थर्ड जनरेशन था, थर्ड या फोर्थ। मैंने इसे पुराना जनरेशन भी मेरे पास था, वो भी रखी हुई थी मैंने। एंड दिस इज अ न्यू वन। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस कार एंड विल गो अराउंड दिस कार एंड सी क्या देख पाते हैं हम। अंदर जाने के लिए देयर आर टू ऑप्शंस, आइदर यू कैन यूज द की और जस्ट प्रेस द बटन एंड रिमोट सेंसिंग है, ये खुद खुल जाती है। आई थिंक आई लॉक्ड इट। अब हम अंदर से शुरुआत करते हैं। ये ड्राइवर साइड इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल है, सो आई थिंक आगे आगे पीछे एंड ऊपर नीचे हो जाती है। एंड आई थिंक दिस इज़ लंबार सपोर्ट। लंबार सपोर्ट यूजली ये होती है, यू कैन एक्सटेंड इट आउट टू आपके पेट के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। हेडरेस्ट ये खुद करना पड़ता है। एंड एज यूजुअल आगे के 2 मिनट ऑटोमेटिक हैं एंड पिछले यहाँ से कंट्रोल हो जाते हैं, चाइल्ड लॉक एंड लॉक एंड लॉक एंड बाकी जो आई थिंक यू कैन सी मेरा कंट्रोल्स एंड सो दैट। फुली लोड होने की वजह से यहाँ पे सारा पैडिंग मिलती है आपको, सॉफ्ट पैडिंग है, सॉफ्ट टच मटेरियल सारा यहाँ पे भी, नॉट हार्ड प्लास्टिक बट सॉफ्ट टू फील। अब अंदर चलते हैं हम। सो दिस इज़ व्हाट द डैश लुक लाइक। स्टीयरिंग पे यहाँ पे कंट्रोल आता है हर चीज़ का, वॉल्यूम, स्पीड, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल के फंक्शंस आ गए, यहाँ पे वॉल्यूम एंड कॉल फंक्शन आ गए सारे। एसी वेंट्स हैं यहाँ पे। 2010 मॉडल होने के बावजूद भी इसमें काफ़ी फीचर्स थी। वी हैव एसी कंट्रोल ऑटो एंड बड़ा मेरे को अजीब लगता है जो लोग बोलते हैं कि आजकल जैसे गाड़ियाँ आती हैं टच कंट्रोल्स होती हैं एंड दे ऑलवेज से इसमें टच कंट्रोल है, मेरे को बटन चाहिए, ये कुछ चाहिए। आई फील इट वियर्ड। मेरे को मेरा होता क्या है, मैंने टेम्परेचर सेट कर देना, फॉर एग्जांपल इफ यू कैन सी ऑटो एंड या सो मैंने टेम्परेचर सेट किया। अगर मेरे को चाहिए 22 चाहिए, मैं इसको 22 पे करके, इसकी ऑटो फीचर है, खुद करेगा जो भी करना है, पखा कटाना है, फैन लो करना है या गर्मी करनी है, इट विल डिसाइड बाय इटसेल्फ। सो आई थिंक दैट्स द रीज़न आई लाइक द ऑटो फंक्शनैलिटी, इट मेक्स इट एवरीथिंग ईजी। एंड मेरे को आई थिंक मैटर नहीं करता अगर हार्ड फंक्शंस हो के ना हो, पर बीइंग एन ओल्ड कार आई थिंक इसमें सारे बटन आते हैं यहाँ पे। देन डुअल ज़ोन फंक्शनैलिटी भी है, इफ द पैसेंजर वॉन्ट्स हिज ओन टेम्परेचर दे कैन, वो खुद अपना टेम्परेचर चेंज करके रख सकते हैं उनको कितना टेम्परेचर चाहिए। अगर मेरे को गर्मी लग रही है तो मैं गर्म भी कर सकता हूँ, ठंड लग रही है ठंडा भी कर सकता हूँ, जस्ट यूजिंग दिस डायल। नेक्स्ट हम चलते हैं गाइज स्टीरियो प्लेयर पे। इसमें फिटेड आता था फुली लोडेड के होने के फुली लोडेड होने की वजह से यहाँ पे बोस का सिस्टम लगाया एंड इट हैज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 2 पीछे सब वूफर है, सो ऑलमोस्ट 8 स्पीकर सिस्टम है, विच इज़ ए बिग डील। बड़ा साउंड इतना क्रिस्प एंड बेसी लगता है, इट जस्ट मेक्स ए बिग डिफरेंस। सो इफ यू गो इन स्टीरियो फंक्शनैलिटी में चलें तो आईपॉड कनेक्शन है इसमें, आईफोन सीधा कनेक्ट हो जाता है। एंड देन वी हैव FM, CD, ऑक्स, विच मैं आजकल बिल्कुल यूज़ नहीं करता। वी कैन सी हेयर, सो यहाँ पे कनाडा में ज़्यादा चलता है
लीटर्स पर 100 किलोमीटर, जैसे इंडिया में हम करते हैं कि लीटर में भी 15 किलोमीटर चलती है, ये कुछ है, तो ये चलती है अराउंड, इफ़ यू कैन कैलकुलेट, विल बी 10 किलोमीटर्स पर लीटर, विच इज़ नॉर्मल हेयर, हर गाड़ी का 10 से 15 तक होती है एवरेज, यूजली एवरेज टाइम कितने देर इंजन चला रही है, सारी ये आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है, ज़्यादा कुछ तो नहीं है वैसे। एंड देन द सनरूफ, ईजी टू ऑपरेट, ये अगर जस्ट शेड खोलना है तो शेड खुल जाता है ऐसे, अगर आपको थोड़ा पीछे से लिफ्ट करना है तो ऐसे लिफ्ट हो जाता है, एंड देन इफ यू वांट टू ओपन द होल थिंग जस्ट प्रेस द बटन वंस मोर, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, एंड क्रॉस इज द सेम वे। ऑल्सो गाइस यहाँ पे ये मिरर आता है इसका, इसमें इफ़ यू सी द बटन्स हैं, इसमें गराज ओपनर्स हैं, 3 गराज ओपनर्स हैं जो आप इस पर कन्फिगर कर सकते हो, और आपको अगर ये दिख रहा होगा ऑन ऑफ का बटन, ये होता है कि ऑटो डिमन फीचर है इसमें, सो रात को खुद लाइक डिम पोजीशन में चला जाता है जब पीछे से आपको गाड़ी में लाइट पड़ती है, सो विच इज़ रियली हेल्पफुल, काफ़ी मदद हो जाती है ड्राइविंग में। एंड एक और है, इफ़ यू सी दिस स्क्रीन हेयर, ये आपके आपको दिखाएगा कि आप कौन सी डायरेक्शन में गाड़ी चला रहे हैं, सो राइट नाउ इफ यू सी मैं नॉर्थ वेस्ट पोजिशन में गाड़ी चला रहा हूँ। लेट्स गो टू द बैक सीट्स, सेम फॉर्मेट, पैडेड मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल, टच यहाँ पे कबीज हैं, एंड द सीट बहुत ओपन है, आई थिंक लेग स्पेस बहुत ज़्यादा होगा, इफ यू कैन इफ आई कैन शो यू, वो मेरी सीटिंग पोजिशन पे खड़ी है, सो आई हैव लाइक मोर देन ए पाम स्पेस विच इज एम्पल फॉर माई हाइट, माई हाइट जो कि अराउंड 5'8" है, एंड या नथिंग स्पेशल, पीछे एयर वेंट्स हैं पर यू कैन कंट्रोल द टेम्परेचर है, बंद भी हो जाता है इफ़ यू वॉन्ट टू, एंड सीट पॉकेट्स, एंड जो आपको सब बता रहा था। अब चलते हैं हम ट्रंक पे, ट्रंक काफ़ी बड़ा है, इसको यूजली मिड साइज सेडान बोलते हैं यहाँ पे, इट्स नॉट फुल साइज, फुल साइज में इससे ही बड़ी कार होती है, लाइक टोयोटा कैमरी होगी वो क्लास डिफरेंट है, दिस इज़ लाइक टोयोटा क्रोला साइज, सो या ये हो गया, और यहाँ पे एम्प आता है इसका क्योंकि इसमें बोस का सिस्टम लगा है, फैक्ट्री फिटेड, ये नथिंग आफ्टर मार्केट, बोस का एम्प हो गया, एंड दीज आर टू सबवूफर्स ऑन द बैक, एंड या एक अनोखी फीचर बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे ट्रंक्स में आई डोंट नो इंडिया में है कि नहीं है, इट्स बीन लॉन्ग टाइम आई एम आउट ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपको यह पुल टैब मिलता है, इमेजिन आप किडनैप हो जाते हो तो आपके पास ऑप्शन हमेशा लाइक यहाँ पे रिक्वायर्ड बाय लॉ है, एवरी हर गाड़ी में कोई ना कोई एस्केप रूट होता है, अगर इनके साथ किडनैप होते हो तो यू कैन जस्ट पुल इट आउट, कई में बटन होता है या कुछ, सो यू कैन जस्ट गेट आउट द कार। नेक्स्ट स्टॉप गाइस ये आप इसका इंजन है, जैसे आपको पहले बताया ये 2.5 लीटर इंजन है, 2500 cc ऑलमोस्ट, एंड ये बनाता है 175 हॉर्स पावर्स, ये है 4 सिलेंडर i4, सो आई कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं डिफरेंट, एंड दिस इज़ एन i4 कॉन्फ़िगरेशन, एंड ट्रांसमिशन इसमें आता है CVT, सो विच इज़ कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन, सो बेसिकली एक बेल्ट और मोटर होती है विच इज़ की जो रेशियो चेंज होती रहती है, सो इसमें कंटिन्यूस है, सो एक काइंड ऑफ यू कैन से इन्फिनिटी गियर्स, ऐसा कोई काउंट नहीं है कि एक गियर है दूसरा गियर है, सो एक बेल्ट है जो मोटर के ऊपर मूव होती रहती है। आई थिंक आई विल डू ए डिफरेंट वीडियो जहाँ पे आपको समझाऊंगा CVT एंड डिफरेंट ट्रांसमिशन में डिफरेंस क्या होते हैं एंड डिफरेंट इंजन कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं, एंड दिस इज वाज माय फर्स्ट कार रिव्यू, प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, काफ़ी मदद मिलेगी, मैं चाहता हूँ और गाड़ियाँ लेके आऊँ, इफ़ आई हैड द रीच, मेरे पास आई थिंक नेक्स्ट गाड़ी मैं करूँगा Tesla 3 डेफिनेटली प्रॉमिस, एंड वी कैन डू मोर विद योर सपोर्ट, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड ताकि हम नई वीडियोस और बना सकें नई कार के साथ। चीयर्स।